मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा स्थित सिटी लाइफ मॉल के पास सड़क निर्माण नहीं किए जाने से नाराज स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को जमकर बवाल काटा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़क को जाम कर यातायात को बाधित कर दिया। मॉल के पास अधूरे पड़े सड़क निर्माण की वजह से आसपास के घरों दुकानों में जल जमाव से प्रदर्शनकारी आक्रोशित थे। प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों में से एक सामाजिक कार्यकर्ता अथर्व त्रिवेदी ने बताया कि सड़क निर्माण न होने की वजह से यहां आए दिन दुर्घटना होती रहती है। मौके पर एक नौजवान ने खुद के साथ सड़क पर हुए हादसे का भी जिक्र किया जिसमे उसके हाथों में चोट आई थी। यूनिवर्सिटी रिपोर्टर मयंक की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुझे बड़ी खबर और अभी हम इस वक्त मौजूद है बिठमपुरा। बीते दिन भारी बारिश की वजह से प्रतिबंध पूरी तरह से लगाया गया है। किसी भी तरह के वाहन को आने जाने में कोई छूट नहीं है, कोई भी वाहन को आने जाने में प्रतिबंध लगाया गया है पूरी तरह से। और ये इन लोगों का कहना है जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो, मतलब रोड नहीं बनने के कारण, रोड की स्थिति गंभीर होने के कारण पानी पूरी तरह से बढ़ जाती है और इस तरह से आम लोगों को, ऑटो चालकों को बहुत सारे तरह की परेशानी होती है। यहाँ पे हमारे साथ ऑटो चालक है, बताएंगे किस तरह क्या 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 समस्या है ये बताइए। समस्या ये है कि आगे में रास्ता है बंद है और आगे में गड्ढा ज्यादा है, ऑटो पलट जाता है, ऑटो पलट जाता है और इसमें जिम्मेवार कौन है? पब्लिक परेशान हो जाता है, गाड़ी चल नहीं पाता रोड पे। लगभग कितने दिनों से या कितने सालों से इस तरह की समस्या है? तकरीबन ये पिछले लॉकडाउन से, पिछले लॉकडाउन से। लॉकडाउन में खाली थी फिर भी सरकार द्वारा नहीं बन पाया। नहीं, गाड़ी खराब हो जा रहा है, गाड़ी का एक्सल टूट जा रहा है, आदमी उसमें क्षतिग्रस्त हो रहा है। बताइएगा नाम आपका। पब्लिक परेशान है, मोहम्मद हुसैन मेरा नाम है। और भी ऑटो चालक है उनसे हम बात करवाएंगे, देख सकते हैं किस तरह से कोई भी तरह की वाहन है, जो भी वाहन है उसको आने जाने पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। और सीधा खबर आपको मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा से दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने, स्थानीय लोगों ने मिलकर प्रतिबंध लगा दिया गया। बताइए क्या कुछ समस्या हुई थी आपके साथ? देखिए भैया, समस्या यही है कि एक दिन यहाँ से गुजर रहे थे, यहाँ पे नाली उली खराब है और रोड उड कैसा है आप देखिए रहे हैं, राइट हैंड है, अगर टूट जाता तो फिर हम कैसे मतलब पढ़ते लिखते, और उसके वजह से भविष्य खराब हो जाता। मेरा कहता है कि छात्र भविष्य होता है देश का, यही सब बात है जिसके लिए जाम उम किए हुए हैं यहाँ पे। मांग क्या है आपकी? मांग यही है कि नाली जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए, सब कुछ रोड बनाया जाए। तीन गाड़ी सब ऐसा नहीं है कि नाली नहीं खुल गया है, आप लोग जानते हैं कि कितना जगह नाली खराब हुआ है। अब पूरा मैं हर जगह दुकान पानी, लॉकडाउन था इतना दिन पहले, इंजीनियर साहब को नाली बनाना चाहिए तो इंजीनियर साहब रोड प्लस में खोन खोन के छोड़ दिया है, खोन खोन के इधर उधर खोन खोन के छोड़ दिया। नाली पूरा भरा हुआ है, भरा हुआ है दिन रात, हम लोग उसमें खोन खोन के इधर उधर छोड़ दिया है सब, जहाँ जहाँ तहाँ खोन खोन। जिला प्रशासन के द्वारा किसी तरह की कार्य की गई या नहीं की गई? नहीं, कोई प्रतिनिधि आया नहीं है? नहीं कोई प्रतिनिधि अभी तक आया। मेरा परिचय है, मैं अंकित कुमार, यहाँ लोकल है, यहाँ के छात्र हैं बलीगढ़ गार्डन के। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए एम न्यूज, जेड न्यूज, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।